वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम ऐसे बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो कि इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में से एक है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस बैंक का नाम है ICICI बैंक, इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक। और जो ICICI बैंक है, अब सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ICICI बैंक जो बैंक है वो क्या कहते हैं कि एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग। मतलब क्या कहते हैं कि बड़े बड़े कमर्शियल्स जो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको भी, और जो छोटे छोटे प्रोपराइटर्स होते हैं उन लोगों को भी ये लोन देने का काम प्रोवाइड करता है। और ये क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो ICICI बैंक क्या काम करता है ये तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि ये मेन काम क्या है कि लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना, फिक्स डिपॉजिट देना और लोगों को लोन देना, तरह तरह के लोन देना, इसका मेन काम है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर नज़र रखें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो सेक्टर के PB से थोड़ा 4 times थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। और जो कंपनी का PB रेशियो है वो सिर्फ 0.1 अपने सेक्टर के PB से ज़्यादा है। और अगर डिविडेंड यील्ड की कंपनी की बात करें तो वो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी कुछ अच्छा खासा डिविडेंड देती भी नहीं है। मतलब अभी पिछले 3-4 सालों से तो उसने डिविडेंड दिया भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा 4 times जल्दी ज़्यादा है, लेकिन जो सेक्टर में जो कंपनी है ना वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भी नहीं कर रही, और उनका क्या कहते हैं कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट भी नहीं है। बल्कि आप ICICI बैंक का मैनेजमेंट देखोगे तो वो मैनेजमेंट भी अच्छा है, और क्या कहते हैं कि कंपनी भी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट की ओर नज़र रखोगे तो आपको ये दिखेगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एकदम स्ट्रांग हो रही है। और मेन बात तो ये है कि इसको बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने भी सजेस्ट किया कि ICICI बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट स्टॉक है। और बात करें PB रेशियो की तो PB रेशियो भी ज़्यादा टाइम्स है नहीं, सिर्फ 1.67 times इसका PB रेशियो है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बाकी बैंकिंग स्टॉक को आप देखोगे तो वो 5-6 गुना, ये तो सिर्फ 1.67 times है। और अगर आपको अभी तक PB रेशियो डिविडेंड यील्ड का मतलब नहीं पता है तो उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के होल्डिंग की, किसकी कितनी होल्डिंग्स है। लेकिन बैंकिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई प्रमोटर नहीं होता है, इसके अंदर मेन होल्डिंग्स होती है DIIs और FIIs की। लेकिन आपको लग रहा हो कि इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग 0 है, तो बैंकिंग स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं होती है। अगर इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो वो है 27.46%, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें DII और FIIs की बात करें तो उनका राउंड फिगर में देखा जाए तो 45% उनके पास है। और अदर पार्टी यानी कि जो हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग्स है 10.73%। अगर आप ये देख सकते हो कि 90% होल्डिंग्स इसकी बड़े लोगों के पास है, तो सीधी सी बात है कि कुछ बैंक में कुछ डम होगा तभी कुछ बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा होगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स में तो जबकि 10% ही है, इन लोगों का क्या कहते हैं कि अपने को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब अगर हम कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो कंपनी की मार्च 2019 की अगर हम टॉप लाइन देखें तो वह 1,31,306, ये अमाउंट करोड़ में है। और अगर इस बार की अमाउंट देखें तो वो 18,000 करोड़ वो बढ़ी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि कंपनी के पिछले 1 साल के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यू यानी कि जो कंपनी के जो मेन जो ऑपरेशन इनकम है कंपनी की, उसमें कंपनी की 18,000 करोड़ इनकम बढ़ी है। और अगर इसके बॉटम लाइन की बात करें तो कंपनी की जो बॉटम लाइन है उसमें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का दुगना हो गया, जो कि सीधा कट इंडिकेट ये दे रहा है कि जो कंपनी है उसने अपनी कॉस्ट को सही से कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्योंकि आप देखिए प्रॉफिट भली कंपनी का सिर्फ अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे तो वो लगभग 20-25% ही बढ़ा टोटल इनकम, यानी कि नेट ग्रॉस इनकम कंपनी की देखिए तो वो लगभग 20-25% ही बढ़ी है। लेकिन अब नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का, वो क्या कहते हैं कि 100% बढ़ गया एक तरीके से, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट दे रहा है कि कंपनी अपने कॉस्ट को सही से कंट्रोल कर रही है। और जो कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल सही से कर लेती है तो उसका फ्यूचर में कोई उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कॉस्ट को कंट्रोल करना ही होता है। और अगर आपको अभी तक टॉप लाइन और बॉटम लाइन का मतलब नहीं पता है ना तो आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन की वीडियो भी जाके देख सकते हो, हमने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है।
अब अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो वो 2019 में था 6.61, मतलब एक शेयर की अर्निंग थी 6.61 पिछले साल, और इस साल वही मार्च 2020 में हो गया 14.81, जो कि अब सीधा कट ये इंडिकेट हो रहा है कि कंपनी की अर्निंग अभी एक मतलब पिछले एक साल में कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और क्या कहते हैं कि कंपनी का ईपीएस भी एकदम डबल हो गया, और इसका डाइल्यूटेड या डाइल्यूटेड यानी कि मतलब जो चेंज होता रहता है वो भी आप देखोगे तो वो भी डबल हो गया है। और कंपनी की जो बुक वैल्यू थी मार्च 2020 की बैलेंस शीट के बाद वो थी 185.08, और उससे पिछले साल भी 172.45, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कंपनी के एसेट बढ़े हैं, क्योंकि अगर कंपनी के एसेट बढ़ते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है। अब अगर हम कंपनी के एनपीए पर नज़र डालें तो कंपनी के जो एनपीए हैं वो भी 36% डिक्रीज हुए हैं, जो कि पिछले साल थे 16,252 करोड़, और इस साल वो देखेंगे आप सिर्फ 10,389 करोड़ जो गए हैं, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने एनपीएस को सही से वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और कंपनी हर किसी को लोन नहीं दे रही है। जैसा कि आपने यस बैंक वाले केस में देखा था, उनके जो एनपीए वो कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं कि बढ़ रहे थे, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जिन भी लोगों को लोन दे रही है उससे कंपनी को पूरा पैसा वापस मिल रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि एनपीए की नज़र से देखें तो कंपनी एक सही पोजिशन पर है। अब अगर हम इसके क्या कहते हैं कि टोटल एसेट की बात करें तो वो 13.77 ट्रिलियन है, 13.77 ट्रिलियन कंपनी के टोटल एसेट्स है। और अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने विदाउट कॉस्ट, मतलब कोई भी कॉस्ट कंपनी की उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ ऑपरेशन से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट, तो ये देखिए आप 268.08 बिलियन का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसके कैपिटल एडिक्यूएसी रेशियो को देखें तो वो निकल के आता है 16.11%, जो कि वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अपन क्या कहते हैं कि टर्म डिपॉजिट में अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले ये डेटा जो है वो पिछले 5 साल के बेसिस पे लिया हुआ है, अगर आप इसके पिछले 5 साल के बेसिस पे देखोगे तो 28.6% इसके टर्म डिपॉजिट में ग्रोथ हुआ है। और इसके डोमेस्टिक लोन यानी कि कंपनी ने डोमेस्टिक यानी कि जो अपनी ही कंट्रीज की रिटेल फर्म्स या फिर कमर्शियल्स को प्रोवाइड किया है, और उसमें भी 12.9% की बढ़ोतरी बैंक को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुई है। और अगर रिटेल पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या कहते हैं कि कंपनी के जो टोटल पोर्टफोलियो में से 53.3% रिटेल पोर्टफोलियो का क्या कहते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है 3.73%, वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर इसके टोटल डिपॉजिट और टोटल एडवांसेस की बात करें तो आप सीधा कट टेबल से इंडिकेट आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली ये देखिए इंक्रीज एडवांसेस भी इंक्रीज, क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी में लोगों को बहुत ट्रस्ट है, और कंपनी से लोन कंपनी आईसीआईसी बैंक से लोग लोन भी बहुत लेते हैं, और अगर लोन लेते हैं तो कंपनी को उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये कि क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी डिपॉजिट और एडवांसेस देख के कि कंपनी क्या कहते हैं कि फ्यूचर के लिए एकदम सही है। अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो वो भी पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं, और इसका कैपिटल एडिक्यूएसी देखें तो वो भी पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली मतलब एक टेबल कंडीशन में रहे, इंक्रीज तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एक टेबल कंडीशन में रहे वो। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्या कहते हैं कि 50% कंपनी की जो ब्रांचेज हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, तो मतलब क्या कहते हैं कि बैंक का मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो क्या कहते हैं कि अपने रूरल एरियाज और जहाँ पे क्या बैंकिंग बहुत कम बैंक खुले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो ऐसे एरियाज में अवेलेबल भी नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि आईसीआईसी बैंक की जितनी भी ब्रांचेज है उसमें से 50% ब्रांच उन्होंने रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में खोल रखी है, जो कि सीधा कट इंडिकेट ये कर रहा है कि कंपनी क्या कहती है कि एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम कर रही है पब्लिक को। और अगर इसके क्या कहते हैं कि मेरा आई मोबाइल फिस्कल 2020 के अंदर बात करें तो इसके अंदर कंपनी के 16.8 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए,
अगर 16.8 मिलियन अगर 1 मिलियन में 10 लाख उठे तो आप समझ लीजिए कि 160 करोड़ 8 लाख कंपनी के इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो कि क्लियर कट ये क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर बैंक को कुछ 1-2 रुपए का प्रॉफिट होता है, और इसलिए अभी कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा आप वो सोचिए। अब हम कंपनी के प्राइस को देखते हैं, कंपनी का जो प्राइस है वो भी बाजार में चल रहा है 348 के, यानी कि अभी समझ लीजिए 350 के अराउंड कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है। अगर आप कंपनी का ऑल टाइम हाई देखोगे, यानी कि पिछले 5 साल का कंपनी का हाई देखोगे, तो वो है 552.20, यानी कि मिनिमम लगभग वो 40% का आपको ये डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। और मेरे के और उस वक्त जब कंपनी का 552 का हाई था, जब कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भी नहीं करती थी, जब उसका हाई 550 रुपये का था, और अभी एक बैंक एक ऐसे क्या कहते हैं कि कंडीशन में आ गई है कि यहाँ से बैंक एक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और मेरे ख्याल से ये आने वाले 5 साल तक अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखेगी, और अपना जो ऑल टाइम हाई है यानी कि पिछले 5 साल का, उसको तो ये हमें ये तोड़ एक साल में तोड़ ही देगी, और साथ में ये फ्यूचर में ये शेयर मेरे ख्याल से 700 से ऊपर भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बैंक जो है ये ओवरऑल एकदम अच्छा बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर में एक ट्रस्ट वर्दी एक बैंक है ये, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ICICI बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।